गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट एनालिसिस के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे देखिए सर्किट एनालिसिस क्या है, इसके अंदर क्या आएगा, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने क्या दिया था कि सर्किट एनालिसिस के अंदर किरचॉफ के नियम होते हैं, बंद पास और बंद जो लूप वगैरह होते हैं सर्किट नोड, उन्हीं के अंदर क्या है किरचॉफ के नियम प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें आवेश ऊर्जा इनके जो विभिन्न पार्ट आते हैं यानी विनिष्ठ विन्यास वगैरह जो वाले पार्ट आते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अब देखिए किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, किरचॉफ ने दो नियम दिए, फर्स्ट कौन सा है, संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक है, धारा का नियम या संधि का नियम, ठीक है, संधि का नियम या धारा का नियम क्या होते हैं, कोई एक नोड दे दिया, नोड संधि क्या होती है, इससे लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि नोड क्या होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं शाखाएं आकर मिलकर मिलती है, जैसे कि कोई भी पार्ट ले लें उसके लिए कोई भी एक बिंदु ले लिया, जैसे कि अपने कोई एक पॉइंट ले लिया, इस पर क्या है दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती है। शाखाएं क्या होती है, शाखाएं वो होती है जिसके एक पार्ट में धारा का मान नियत होता है, पहले कार्ड होता है करंट के अंदर क्या होते हैं कोई भी एक पॉइंट ले लिया या एक नोड ले लिया जिसके ऊपर दो या दो से अधिक धाराएं क्या करेंगे प्रवेश कर देंगे, उन धाराओं में क्या होता है कुछ धाराएं उसके अंदर प्रवेश करेगी और कुछ ही धाराएं उससे क्या होगी दूर जाएगी कुछ, लेकिन जो इसमें कोई भी पार्ट ले लिया जैसे कि ये पार्ट आया है जिसमें नोड पर क्या हो रहा है कोई नोड वो ले लिया अपने, ठीक है, उसमें आयन धारा क्या करती है प्रवेश करती है, ठीक है, इसके विपरीत आई टू धारा इसके अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है, ये आई थ्री धारा मान ली, ठीक है, ये आई फोर धारा मान ली और ये वाले पार्ट क्या आ गई आई फाइव धारा मान, ठीक है। अब इसमें क्या है इसी नोड पर, इसी नोड पर धारा का कुल बीजीय योग क्या रहता है हमेशा शून्य रहता है, यानी कि इसमें जो कुल धाराएं क्या करती है आई वन आई टू आई थ्री इसमें क्या करेगी प्रवेश करेगी, इसी प्रकार आई फोर आई फाइव क्या होगी इससे दूर निकल जाएंगे, जो प्रवेश कर रही है उनका मान जो बाहर जा रही है उनका मान क्या रहता है इक्वल रहता है, यानी कि दोनों का मान क्या होगा इक्वल रहेगा, इसी को तुम दूसरे रूप में देखिए करंट एंट्री इन द लूप इक्वल क्या आएगा करंट लीविंग इन द लूप या नोड वगैरह जो भी देखिए कुछ सब मिले उसके अंदर के बारे में पार्ट आए, यानी कि जितनी धाराएं इसके अंदर प्रवेश कर रही है उतनी धाराएं उससे क्या होगी बाहर निकलेंगे, ये पास हो गया सॉरी शाखा होगी, इसमें एक शाखा ये होगी जिसमें धारा का मान क्या होता है इससे ऊपर दूसरी शाखा होगी इससे ऊपर तीसरी शाखा होगी ये फोर ये फाइव इस प्रकार क्या होगी शाखाएं रहेंगी, इसे ये शाखाएं क्या रहेंगी इसमें धारा का मान क्या होता है इसी एक नोड पर धारा का मान हमेशा क्या रहेगा जीरो रहेगा, यानी कि जो एंट्री में प्रवेश कर रही है कौन कौन सी पार्ट आ गई आई वन आ गया प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू क्या रहेगा जो बाहर आ रही है आई फोर आई फाइव, ठीक है, इसमें क्या आएगा आई फोर प्लस आई फाइव, ठीक है, या इसको दूसरे रूप से देखें तो क्या आएगा टोटली आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे माइनस के रूप में आ जाएंगे, यानी कि माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इक्वल टू क्या रहेगा शून्य, ठीक है, यानी कि टोटली जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा I इक्वल टू क्या रहेगा शून्य, ठीक है, ये क्या था यानी कि कोई भी एक नोड ले लिया कोई संधि ले ली, ठीक है, जिस पर क्या है धाराएं प्रवेश कर रही है उसी से क्या है धाराएं निकल रही है, यानी कि एक उतने ही साथ बना है जितने प्रवेश करे जितने ही बाहर निकले जितना आवेश इसके अंदर जा रहा है, ठीक ना, कोई भी अपने संधि ले रखी जितना आवेश इस वाले पार्ट के अंदर प्रवेश कर रहा है उतना ही आवेश क्या होगा इससे बाहर निकल रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या करता है आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, करंट की जो शाखा होती है ना वो क्या होती है आवेश संरक्षण पर होती है, ठीक है ना,
क्या हुआ, ये क्या करते हैं जो भी सर्किट एनालिसिस वगैरह होते हैं उसके अंदर विन्यास यानी कि कॉन्फिगरेशन उनको क्या करते हैं, उनको मान ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, उनके विश्लेषण के लिए नेटवर्क विश्लेषण के लिए क्या क्या करेंगे इस वाले पार्टों का अपन उपयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि क्रिचॉफ का सही नियम देखें तो क्या आएगा, क्रिचॉफ की सेकंड नियम में क्या होता है, वोल्टा का नियम, ये वाला पार्ट कौन सा था, क्रिचॉफ का फर्स्ट नियम और इसके बाद क्या है वोल्टा का सेकंड नियम। किरचॉफ का सेकंड नियम क्या होता है, किरचॉफ का सेकंड नियम यानी कि लूप का नियम, लूप यानी कि वोल्टा का नियम, ठीक है ना। लूप क्या था, वोल्टेज ला, ठीक है, वोल्टेज ला कहते हैं लूप, इसके पहले इसे दूसरा पार्ट क्या कहते हैं लूप का नियम, ठीक है। लूप क्या होते हैं, जहां से जिसमें दो या दो से अधिक शाखाएं शाखाएं जिसमें धारा का मान क्या रहता है नियत रहता है, ये वाले पार्ट क्या होते हैं जिसमें शाखाएं होती है यानी कि कोई भी बंद लूप ले लिया, ठीक है ना, कोई भी अपन ने क्या कर लिया एक बंद लूप ले लिया, इसके अंदर जो वोल्टेज का मान होगा वो क्या आएगा हमेशा शून्य के बराबर है। जैसे कि ये वाला पार्ट ले लिया ये जिसमें आर वन है, ठीक है, ये जिसमें R2 है, ठीक है, ये R3 और ये वाला पार्ट R4, ठीक है, ये एक प्रकार से क्या हो गया बंद लूप हो गया, ठीक है ना, कोई भी डायरेक्शन में आवाज आ रही है, ठीक है, ये वाले पार्ट में क्या आएगा डायरेक्शन कुछ इस प्रकार रहेगी, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज का मान आएगा वो क्या आएगा हमेशा शून्य के बराबर आएगा, ठीक है ना, यानी कि जो इसमें वोल्टेज वगैरह यानी अपने सर्किट एनालिसिस के रूप में देखिए, सर्किट एनालिसिस के रूप में इसको यदि हम देखेंगे तो क्या आएगा, स्टार्टिंग में अपने इसे बैटरी वगैरह दे दी चार्ज के लिए, इसको ये वाला पार्ट क्या आ गया इवन, इसको उन्होंने चार्ज दे दिया बैटरी के रूप में, ठीक है। इसके बाद में ये वाला दूसरा पार्ट जिसमें कार्बन प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है, इस पर विभव पतन कितना मान लिया हमने V1 मान लिया, ठीक है ना, इस पर विभव पतन V1 मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा वाला ये प्रतिरोध क्या होगा R2 मान लिया, इस पर भी वोल्टता का जो पतन हो गया वो क्या होगा V2 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट वोल्टेज के रूप में ये E2 मान लिया, ठीक है, और लास्ट में इसको कनेक्ट कर दिया, ये स्टार्टिंग इसको अपने बैटरी से इसको क्या किया वोल्टेज दिया, यहाँ पर आर वन के रूप में इसमें पतन हो रहा है, ये आर टू के रूप में यहाँ पर पतन होगा, विवो का जीवन और वी टू के रूप में ये विवो पतन होता है, ठीक है, और लास्ट वाला रिजल्ट क्या रहेगा इसमें ये ठीक है। कोई भी ये पॉइंट पर जैसे भी ये पॉइंट ए आ गया, ये बी आ गया, सी, ये डी, किसी भी एक पॉइंट से लेकर चल रहे तो उस वाले पार्ट पर कोई क्या लेंगे एक तरफ वाले पार्ट क्या लेंगे अपन पॉजिटिव लेंगे, दूसरे वाले पार्ट पर दिशा कोण क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो इसको रिजल्ट के रूप में हम क्या कैसे लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस E2 माइनस E1 इक्वल टू जीरो, यानी कि टोटल जो वोल्टेज आ रहा है ये एक लूप हो गया, ठीक है ना, एक बंद लूप हो गया, बंद लूप, ठीक है, बंद लूप में क्या हो गया जो वोल्टेज वगैरह आ रही है V1 V1 V2 V3 ये सारे पार्ट आ गए, टोटल जो वोल्टेज आ रही है वो हमेशा क्या रहेगी शून्य के बराबर होगी, यानी V1 प्लस V2 इसको दूसरे वाले पार्ट के रूप में देखें तो क्या बन जाएगा इसका V1 माइनस ठीक है। ये स्टार्टिंग वाला पार्ट था जिसमें अपन ने इसको चार्ज किया था वोल्टेज वगैरह नहीं, ठीक
ये वाली कार ये क्या था बी वन बी टू आर टू एफ आर टू पेट्रोल की कार जिससे वो कलर हुआ था वो आगे पार था और लास्ट में जो अपन ने रिजल्ट के रूप में देखा वो क्या था ए टू था यानी कि ये जो बीच वाले पार्ट था वो चले जो ये वाले पार्ट जो वो जिसका पतन हुआ है वो वाले पार्ट का क्या है ये वाले पार्ट का जो बीच में टोटल क्या है इवन माइनस ये पार्ट पार्ट अपन ने दिया था ये रिजल्ट के रूप में चला गया क्योंकि जो माइनस का आया था वो ये वाले पार्ट Yes, sir.